पीड़िता ने एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार ओटीपी साझा किया था, जिसे 1,31,000 रुपए ठग लिए गए। बिजली विच्छेदन संदेश घोटाले के माध्यम से उपभोक्ताओं की जेबों को जलाने के बाद साइबर बदमाशों ने बैंक खातों के पैसे निकालने या खरीदारी करने के लिए क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त करने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट देकर एक नया तौर तरीका तैयार किया है। एक बीमा कंपनी में काम करने वाली 42 वर्षीय व्यक्ति को इस तरह एक चोर से 1,31,000 रुपए का नुकसान हुआ, जिसके बाद उसने रविवार को महेंद्र के नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दिए गए बयान में शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपने क्रेडिट कार्ड पर अर्जित इनाम बिंदुओं को भुनाने में मदद की पेशकश करते हुए खुद को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। शिकायतकर्ता ने न केवल कार्ड सत्यापन मूल CVV कोड सहित अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण खुलासा करने के लिए मीठी मीठी बातें की, बल्कि उसने एक या दो बार नहीं बल्कि 5 बार धोखा देने के लिए 1 टाइम पासवर्ड OTP साझा किया। नवघर पुलिस स्टेशन में IPC की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच चल रही है। अजनबियों के साथ किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन से बचने के लिए पुलिस द्वारा बार बार अपील और चेतावनियों के बावजूद न केवल भोले और अनपढ़ लोग बल्कि शिक्षित और तकनीक की जानने वाले लोग भी साइबर अपराधियों के बुरे मंसूबों के शिकार हो रहे हैं। बीरड़ पुलिस ने कनकिया क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के एक अनुदित भवन में एक होटल में संचालित हुक्का पार्लर के खिलाफ कार्रवाई की है। पार्क व्यू होटल लॉजिंग और बोर्डिंग के लाइसेंस के तहत संचालित हो रहे होटल की 5वीं मंजिल पर खुली छत पर अवैध हुक्का पार्लर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस ने साबिर हुसैन, राहुल मजुमदार, तुषार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भाजपा नेता कृपया शंकर सिंह ने एक कार्यक्रम में बयान दिया है कि मीरा भाईंदर की अगली मेयर उत्तर भारतीय समुदाय से होनी चाहिए। इस बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कृपया शंकर सिंह रविवार को भाईंदर पश्चिम के बालाजी मैदान में उत्तर भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में आए हुए थे। पहले भी मीरा भाईंदर शहर में विज्ञापन ये डाल चुके हैं कि अगले विधायक उत्तर भारतीय समुदाय से होना चाहिए। इस विज्ञापन में तस्वीर शंकर देव सिंह की थी, इसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस बार कृपया शंकर सिंह की घोषणा के बाद कि अगला महापौर उत्तर भारतीय होना चाहिए, इस पर मराठी एकता समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप सावंत ने सूचित किया है कि इस संबंध में भी हम थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे।